हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं स्टडी आईजी यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की बहुत बड़ी अपडेट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या बदल जाएगा आपका क्यूआर कोड? तो इस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि आपका क्यूआर कोड बदलने वाला है या आपका नया क्यूआर कोड कौन सा आएगा। इसके बारे में पूरी डिटेल में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आपका नया क्यूआर कोड कौन सा होगा, क्या ये वाला क्यूआर कोड आपका रिप्लेस हो जाएगा। पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक वॉच करें। वीडियो इंपॉर्टेंट लगे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए एंड लेटेस्ट जॉब अपडेट के लिए। आपको यहाँ पे इंफॉर्मेटिव वीडियोस एंड लेटेस्ट जॉब अपडेट के रिगार्डिंग यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड की जाती हैं। तो आज की वीडियो इंपॉर्टेंट लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए करते हैं इस अपडेट को शुरू। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात करें कि क्यूआर कोड होता क्या है। तो फ्रेंड्स, क्यूआर कोड होता है क्विक रिस्पांस कोड, जिसको कि आप क्यूआर कोड के नाम से जानते हैं। एंड क्यूआर कोड का जो इन्वेंशन किया था वो मशाहिरो हारा ने किया था। और मशाहिरो हारा का आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं। इन्होंने इन्वेंशन की थी क्यूआर कोड की 1995 में। एंड ये जापानीज कंपनी में वर्क करते हैं, डेंसो वेव कंपनी का नाम है। तो आप इनका इमेज यहाँ पे देख सकते हैं मशाहिरो हारा का। यहाँ पे इनका जो इन्वेंशन है वो क्यूआर कोड में इन्होंने इन्वेंशन अपना किया था। क्यूआर कोड का इन्वेंशन इन्होंने किया था। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्यूआर कोड का इस्तेमाल किया जाता है वो हर दिन किया जाता है, चाय से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग तक आप जो वो पेमेंट कर सकते हैं क्यूआर को यूज करके। ऐसे में जो पेमेंट आपका रहता है क्यूआर कोड से, ऑनलाइन पेमेंट आपका करना आसान हो गया है। अभी के दिनों में आप जो पेमेंट कर रहे हैं वो आपका बहुत ही इजी हो गया है क्यूआर कोड की वजह से। आप क्विक सेकंड में जो आप अपना पेमेंट कर देते हैं। पहले आपको लंबी लाइनें लगानी पड़ती थी, अगर आप बैंक से पैसे निकालने जा रहे हो तो बैंक से पैसे निकाल के आओगे, उसके बाद में आप अपनी पेमेंट करोगे। अब आप एक क्यूआर कोड की मदद से जो वो अपनी पेमेंट को एक सेकंड में ही कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो इन्होंने इन्वेंशन किया था, अभी इसमें इन्वेंशन में जो ये बदलाव करने जा रहे हैं, तो पहले का जो क्यूआर कोड आता था वो आपका सिक्योर कोड में आता था। आप ऐसे देख सकते हैं इस तरीके का आपका जो वो पहले का क्यूआर कोड आता था स्क्वायर में आपका आता था। अभी का जो ये कोड जनरेट कर रहे हैं वो आपका रेक्टेंगुलर कोड आएगा, रेक्टेंगुलर क्यूआर कोड आएगा, जो कि अभी के दिनों में ये लॉन्च करने वाले हैं। कुछ ही दिनों पे ये जो इस पे ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, कुछ ही दिनों में इसको लॉन्च कर देंगे। तो यहाँ पर आप जो न्यूज़पेपर की कटिंग देख सकती हैं, रेक्टेंगुलर क्यूआर कोड कैन स्टोर डाटा इन लॉन्ग नैरो स्पेसेस। जो आपका रेक्टेंगुलर कोड होगा वो लॉन्ग टाइम तक जो वो आपका डाटा स्टोर करके रख सकता है। बाकी इसमें जो आपका डाटा होगा वो बहुत ही सेफ होगा। आप जो अपना डाटा क्यूआर कोड की जरिए से जो स्कैन करते हैं उसमें ज्यादा डाटा आप स्कैन कर पाएंगे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं जो न्यू क्यूआर कोड होगा वो कलरफुल यहाँ पे आपको बताया गया है, कलरफुल क्यूआर कोड होगा। आप यहाँ पे जनवरी 29 की 2023 की ये कटिंग देख सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस की। इसमें यहाँ पे बताया गया है विल होल्ड मोर डाटा सेज जापानीज इन्वेंटर हारा। तो ये इन्वेंटर जो है, जो आपका मशाहिरो हारा जो जापानीज इन्वेंटर हैं, इन्होंने कहा है कि जो ये क्यूआर कोड हम न्यू जो बनाएंगे अभी जनरेट करेंगे, वो क्यूआर कोड जो होगा वो कलरफुल होगा और वो ज्यादा से ज्यादा डाटा को जो वो स्टोर करके रखेगा। क्यूआर कोड 2.0 जापानीज इंजीनियर मशाहिरो हारा सेज न्यू डिजाइन विल हैव इंक्रीज कलर एंड इंफॉर्मेशन स्टोरेज। तो ये इंफॉर्मेशन को ज्यादा स्टोर करेगा एंड इंक्रीज आपका कलरफुल ये होगा। मशाहिरो हारा ने ये कहा है, क्यूआर कोड 2.0 इसका नाम होगा। तो यहाँ पर आप इसकी न्यूज़पेपर की कटिंग देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कटिंग इसकी दिखाई देगी। न्यू क्यूआर कोड टू हैव कलर्स होल्ड मोर डाटा, जापानीज इन्वेंटर ने ये स्टेटमेंट दी है। और जो इन्होंने ये स्टेटमेंट दी है वो आपके साथ में मैं डिस्कस कर देता हूँ कहाँ पे दी गई। सबसे पहले आप देख पाएंगे जो स्कैन करते हैं क्यूआर कोड को, तो कैसे करते हैं, आप अपने फोन से जो वो डायरेक्ट इसको स्कैन करते हैं। तो इस तरीके का जो आपका स्कैनर आता है वो इस तरीके से आप इसको स्कैन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इमेज लगाई हुई है, आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जो ये क्यूआर कोड था पहले इस तरीके का था, अभी इसको चेंज कर दिया गया है। तो यहाँ पे इन्होंने जो अभी कर्णावती यूनिवर्सिटी में ये स्टेटमेंट दिया था कि हम न्यू जो कोड है क्यूआर कोड उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, जो कि आपका मोर डाटा स्टोर करके रखेगा एंड कलरफुल जो क्यूआर कोड होगा उसको हम लेके आएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करें जो कंपोनेंट्स होते हैं क्यूआर कोड के, वो कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, जो क्यूआर कोड के कंपोनेंट्स होते हैं आप यहाँ पे पीले कलर में देख सकते हैं। जो ये पीले कलर में होगा वो आपका होगा पोजीशन पैटर्न, जिसको हम पोजीशन पैटर्न कहते हैं। ये कंपोनेंट्स हैं क्यूआर कोड्स के।
एंड यहाँ पर आप देख पाएंगे ये जो आता है आपका साइड पे, ये आता है आपका क्विट जोन, एंड नेक्स्ट आता है आपका जो ये रेड लाइन आपकी दिख रही है बीच बीच में डॉटेड, इसको कहते हैं टाइमिंग पैटर्न। एंड जो आपका ये व्हाइट कलर का दिख रहा है आपको, इसको कहते हैं हम डाटा एंड एरर करेक्शन कीज। एंड उसके अलावा जो आपका रेड कलर का ये दिखाई दे रहा है आपको, उसको आपका यहाँ पे नाम दिया गया है अलाइनमेंट पैटर्न। तो ये कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि आपके क्यूआर कोड के कंपोनेंट्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। बाकी हम बात करें यहाँ पे, तो जो न्यू क्यूआर कोड आपका रहेगा वो इस तरीके का आपको दिखाई देगा। ये क्यूआर कोड आपका रेक्टेंगुलर टाइप का होगा, जो कि इसको रिप्लेस करके आपका ये वाला क्यूआर कोड आपको दिया गया है। तो इस तरीके का क्यूआर कोड अब आपका आएगा, जो कि अब बदल जाएगा इस क्यूआर कोड से। आपका जो ये वाला इन्वेंशन हुआ है, न्यू वाला क्यूआर कोड, आप इसके आप इस तरीके का जो वो देख पाएंगे, इस तरीके का क्यूआर कोड आपका होगा, जो कि ज्यादा आपकी आपकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखेगा, ज्यादा आपको डाटा प्रोवाइड कराएगा, एंड ज्यादा आपका जो वो यहाँ पे सिक्योर होगा। बाकी हम यहाँ पे बात करें तो पहले किस तरीके का था, पहले तो ये बार कोड था। आप देख सकते हैं बार कोड क्या होता है, व्हाट इज द बार कोड। तो बार कोड जो था वो मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग डाटा इन विजुअल मशीन रीडेबल फॉर्म में आपका था, जो कि आप इस तरीके जो ये लाइंस दी गई हैं इसको आप रीड करके जो वो किसी भी प्रोडक्ट की आप जो जानकारी ले सकते थे। अभी इसको चेंज करके जो वो क्यूआर कोड आ गया, क्यूआर कोड से आप मोर इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। बाकी अब के टाइम पे जो क्यूआर कोड है उसको भी बदल कर जो वो आपका न्यू क्यूआर कोड लाया जा रहा है, तो वो आप देख सकते हैं, वो आपके साथ मैंने डिस्कस कर दिया है। तो क्यूआर कोड के जो यूजेज हैं वो कौन कौन से यूजेज होते हैं, पेमेंट के लिए आप क्यूआर कोड यूज करते हैं, रेस्टोरेंट में आप पेमेंट के लिए यूज करते हैं, होटल्स में पेमेंट्स के लिए यूज करते हैं, हेल्थ केयर में पेमेंट के लिए यूज करते हैं, प्रोडक्ट पैकेजिंग में आप यहाँ पे यूज करते हैं इसकी जो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, बाकी प्रोडक्ट ऑथेंटिकेशन के लिए आप यूज करते हैं, बाकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आप यूज करते हैं, बिजनेस कार्ड में आप यूज करते हैं, वर्क प्लेस में आप यूज करते हैं, एजुकेशन में क्यूआर कोड यूज करते हैं। और यहाँ पर आपका जो एजुकेशन में ये क्यूआर कोड यूज होता है, जैसे कि आप एक क्यूआर कोड से आप पूरी पूरी जो वो अपनी बुक जो वो रीड कर सकते हैं, क्यूआर कोड से पूरी पूरी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये बहुत ही आपका जो यूजफुल फीचर था, जो कि क्यूआर कोड से आप जो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो वर्ल्ड में यूज करते हैं क्यूआर कोड का, वो कहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जो कंट्री आपकी स्कैन करती है क्यूआर कोड का, वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। नंबर वन पे यूएस है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका अकाउंट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे ब्लू कलर में। बाकी उसके बाद में इंडिया, फिर आपका यहाँ पे जो वो आपकी सोन कंपनीज यहाँ पे दी गई हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल स्कैन की बात करें यहाँ पे, तो आप यहाँ पे टोटल स्कैन देख सकते हैं, काफी बड़ा नंबर है ये टोटल स्कैन का। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें मोस्ट क्यूआर कोड स्कैनर की, जो वर्ल्ड में स्कैन करते हैं, तो 99.5 यहाँ पे 2025 तक जो वो स्कैन करने वाले हो जाएंगे, जो कि क्यूआर कोड का इस्तेमाल करेंगे। नंबर ऑफ स्मार्टफोन जो भी यूज करते हैं यूनाइटेड स्टेट में, यूजर ऑफ द क्यूआर कोड स्कैनर ऑन देयर मोबाइल डिवाइसेस, तो ये 99.5 जो आपके मिलियंस जो आपके यहाँ पे कैंडिडेट्स रहेंगे स्मार्टफोन यूज कर पाएंगे, जो यूज करते हैं वो 99.5 मिलियन यहाँ पे 2025 तक जो वो यूज करने वाले हो जाएंगे। तो अभी तक जो करते हैं वो 89.5 मिलियन स्मार्टफोन पे क्यूआर कोड यूज किया जाता है। सबसे पहले नंबर पे आता है यूनाइटेड स्टेट, जो सबसे ज्यादा यूज करता है 42.2%, एंड इंडिया 16.1%, उसके अलावा फ्रांस 6.4%, यूनाइटेड किंगडम 3.6%, कैनेडा 3.6%, 3.0% सऊदी अरबिया एंड कोलंबिया 3.0, 2.1 मलेशिया एंड 1.7 सिंगापुर, मेक्सिको 1.6। तो ये सभी कंट्रीज जो हैं वो क्यूआर कोड का इस्तेमाल कर रही हैं अपने पेमेंट सिस्टम में। उसके अलावा हम यहाँ पे बात करें कि कौन इसको ऑनर करता है क्यूआर कोड को इंडिया में, तो इंडिया में जो क्यूआर कोड को ऑनर करता है वो करता है NPCI, जिसका नाम है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एंड भारत क्यूआर कोड डिवेल्प बाय द NPCI। जो भारत का क्यूआर कोड है उसको NPCI ने डिवेल्प किया है। मास्टर कार्ड एंड वीजा जो भी इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम है इंडिया में मोबाइल डिवाइसेस पे, वो इन्हीं के थ्रू होते हैं। तो भारत क्यूआर कोड की हम यहाँ पे बात करें, तो क्यूआर कोड पेमेंट सिस्टम है ये, जिसका की ऑनर है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इंडिया में ही इन्वेंट किया गया था ये, एंड यहाँ पे 20 फरवरी 2017 के दिन ही जो वो भारत क्यूआर कोड को लॉन्च किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर आपको इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको डेली प्रोवाइड की जाती हैं इस चैनल पर ऑफिशियल नोटिस के साथ में।
तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।